माटिया गुंडी पोक बा चकड़ा पोक एवं धला पिठिया गछ डियां पोक धान फसलर व्यापक अनिष्ट साधन करिथांती। पोकगुड़िक फसल शीघ्र व्यापुथिबारु बेळ थाउ थाउ एहाको नियंत्रण करिबा निहाती आवश्यक, नचेत अमल कमिबा सहित चासी को प्रबल क्षति सहिबार आशंका देखा देथाय। वायुमंडल रे अधिक तापमात्रा और आर्द्रता रहिले एही पोकगुड़िक लागिबार डर रहिछि, तेणु एहार नियंत्रण पाई कौनसी कीटनाशक प्रयोग पूर्वरु प्रथमे सार और जल परिचालना को गुरुत्व दियंतु। जमीरे अधिक जबक्षारजान सार प्रयोग नकरी सुषम सार प्रयोग करंतु, अर्थात अन्य सारगुड़िक केवल अनुमोदित मात्रे विशेषज्ञ परामर्श नहीं प्रयोग करंतु। एथिसह धान जमीरे अधिक दिन जाए ठिया पानी रखंतु नाही। जल नियंत्रण सुविधा नथिले पर्याय क्रमे जलसेचन और निष्कासन करंतु, जेपरी क्रमागत भावे माटी ओदा और सुखिला रहिबो। सूर्यालोक एवं वायु चलाचल पाई पूर्वरु पश्चिम दिगकु 6 फुट व्यवधान रे पाही करंतु। ये तो गला सार और जल परिचालना कथा, तेबे पोक आक्रमणर प्राथमिक अवस्था रे सीधासळक रासायनिक कीटनाशक प्रयोग नकरी जैविक पदार्थ प्रयोग करिबाकु परामर्श दिया जाउछि। धान जमीरे बुदा प्रति 5-10 पोक देखा गले एकर प्रति 600 मिलीलीटर निंबो आधारित कीटनाशक 1500 ppm आजाडिराक्टिन को 200 लीटर पानी रे मिसाई सिंचन करंतु। तेबे बुदा प्रति जदि 5-10 अधिक पोक देखा देउछि तेबे काल विलंब नकरी रासायनिक कीटनाशक सिंचन करंतु। एथिपई एकर प्रति 120 ग्राम पाई मेट्रोजाइन किंबा 80 ग्राम डायनोटिफुरान किंबा 60 ग्राम फ्लोनाइकामिड किंबा 100 मिलीलीटर ट्राइफ्लू मेजो पाइरिम कीटनाशक को 200 लीटर पानी रे मिसाई बुदा मूलक लक्ष्य करी सिंचन करंतु। बाजार रे पाइमेट्रोजाइन कीटनाशक चेस बा अप्लाय बा सिमका नामरे डायनोटेफुरान कीटनाशक ओसिन किंबा टोकेन किंबा सिम्बोला नामरे फ्लोनाइकामिड कीटनाशक उलाला किंबा पानामा नामरे एवं ट्राइफ्लू मेजोपाइरिम कीटनाशक पेक्सालोन नामरे मिलुछि। मने रखंतु माटिया गुंडी पोक दमन पई केवल अनुमोदित कीटनाशक को सठिक मात्रा रे प्रयोग करंतु।